नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्णिमा मौर्य एक बार फिर अपनी कविता के साथ आपके सम्मुख हूँ। ये छोटी कविता मैंने भारत में कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में लिखी थी, जब सरकार ने अचानक से पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया था। काम धंधे सब ठप हो गए थे। ऐसे में जो मजदूर काम की तलाश में अपना गांव घर छोड़ दूसरे इलाकों में गए थे, उनके लिए जिंदगी बेहद दुश्वार हो गई थी। जीने की जद्दोजहद करते ये मेहनतकश मजदूर मीलों पैदल लंबा सफर तय करने के लिए बाध्य थे। पुलिस के लाठी डंडे खाते, भूखे पेट ये मजदूर दिन रात चल रहे थे। उनका चलना सभी ने देखा, महसूस किया। वो कितना पीड़ादायी समय था। वो अपने गांव से काम की तलाश में निकले थे और वहां भी सब कुछ खत्म हो गया। उन्हें फिर से उसी गांव लौटना पड़ा जिसको छोड़कर वो गए थे, जहां पर उनके लिए 2 जून रोटी जुगाड़ने की बहुत मुश्किल थी। फिर से वो उसी गांव में वापस लौट रहे थे। अपनों के बीच, अपनों के साथ रहना ऐसे कठिन समय में सबसे ज़्यादा अच्छा एहसास दिलाता है। लेकिन क्या वहां जाने के बाद उन मजदूरों की वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी जिनकी वजह से उन्होंने गांव छोड़े थे? मौत तो दोनों तरफ उनके सिर पर मंडरा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटी कविता लिखी थी। एक लंबी कविता भी लिखी थी पत्थर नाम से, लेकिन आज मैं केवल छोटी कविता ही आपके साथ साझा कर रही हूँ। बस तोहमतें लगा रही है जिंदगी, बस तोहमतें लगा रही जिंदगी, जाने क्या पाठ पढ़ा रही जिंदगी। बस तोहमतें लगा रही जिंदगी, जाने क्या पाठ पढ़ा रही जिंदगी। छोड़ कर गए थे जो गांव, फिर वहीं लौटा रही जिंदगी। छोड़ कर गए थे जो गांव, फिर वहीं लौटा रही जिंदगी। जिंदा रहने की खातिर गए थे जहां, जिंदा रहने की खातिर गए थे जहां, वहां भी पैगामे मौत सुना रही जिंदगी। न वो जगह भली थी न यहां सुकू, न वो जगह भली थी न यहाँ सुकू, बस बंद दरवाजे ही दिखा रही जिंदगी। भूख, रोटी, जाति, धर्म, वर्दी, कुर्सी सब, भूख, रोटी, जाति, धर्म, वर्दी, कुर्सी सब, जिंदगी को फिर से सिखा रही जिंदगी। शुक्रिया।